क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ आ सकता है महाभियोग का प्रस्ताव? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में खटक रहा होगा, लेकिन अब इससे पर्दा उठ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। बता दें कि CBIM ने CJI के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वाम दलों ने हमसे बात की है और हम भी अन्य दलों से बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में कानूनी समझ रखने वाले ज्यादातर सदस्यों का कहना है कि पार्टी को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। उनका मानना है कि CJI के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता का यह मानना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब से दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में CBI जज ब्रिजमोहन लोया की मौत के मामले में सुनवाई होनी है। जज लोया की मौत एक ऐसे समय में हुई थी जब वो बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर के मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें BJP अध्यक्ष अमित शाह को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद जो नए जज आए उन्होंने अमित शाह को बरी कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम।